आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट्स। ठीक है, इसमें मुझे फ्रैक्शन दी गई है, उसको हमने परसेंट में चेंज करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई चीज परसेंट में चेंज करनी होती है तो उसको हमने मल्टीप्लाई 100 करना है। ठीक है, अगर किसी को परसेंट को हमने सिंपल फॉर्म में चेंज करना है तो डिवाइड 100 करना है। ठीक है, अगर परसेंट मतलब परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100, अगर परसेंट को हटाकर हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या करना है, उसको डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो अभी यहाँ पर हमें जो रकम मिली है वो है 1/8। ठीक है, 1/8 है, इसमें हमें कैसे चेंज करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे 2 के टेबल में 2 4 8, 52 होता है 100। अभी ये फिर 2 पर कट हो सकता है, देखना है आपने ये कैसे काटना था, आपको आना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये अगर ये इसमें देखना है कि हमने सेम टेबल पे दोनों को कौन कौन से टाइम पे आती है, जैसे 2 2 4, 2 25 होता है 50। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाले 2 के टेबल में हम 25 नहीं आता तो इसको हम नहीं काट सकते, तो हमारे पास क्या आ गया, 25/2। इसको आप अभी हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसका हमें आंसर डेसिमल्स में मिलेगा। ठीक है, 25 यहाँ पर 2 2 1 2, 2 में से 2 गया 0 और 5, 2 2 4, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर हम 0 खुद से लगाएंगे, जब भी हम खुद से 0 लगाते हैं यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट, 2 5 10, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 12.5। तो यहाँ पर हम लिख दें 12.5%, ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 49/100। ठीक है, 49/100 मल्टीप्लाई 100, इसको हम खुद कर लेंगे, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पर 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है 98। तो ये आंसर सेकंड क्या है, 98%। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है 5/4 मल्टीप्लाई में 100। इसको पहले आप 2 पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 2 2 4, जैसे हमने पीछे काटा है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, या तो आप 2 के टेबल पे पहले काट लो कि 2 2 4, या 2 50 100, जहां पर डायरेक्ट 4 के टेबल पे होता है, 4 1 4, 4 25 होता है 100। ठीक है, तो 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 125% आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिक्स एक्सप्रेशन दी गई है, पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसे कैसे चेंज करते हैं, 8 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 8, और उसमें 3 प्लस कर देने, 8 1 8 8 में 3 प्लस किए 11, तो यहाँ पर हमारी जो फ्रैक्शन बनती है वो है 11/8। अभी 11/8 को मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 के टेबल पे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 4 25 100। अभी 11 को 25 से यहाँ पर ये 2 पे टेबल पे 25 नहीं आता, तो ठीक है 2 के टेबल में 25 नहीं आता, इसलिए ये आपस में कट नहीं हो सकते, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ 11 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता 275। ठीक है, 275/2। अभी इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 275 को 2 से, 2 1 2, 7 ये नीचे आ गया, 7 2 3 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, ये 5 नीचे आ गया, 2 7 14, यहाँ पर ये आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पॉइंट भी लगा सकते हो, चाहे डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको पहले यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 137। ठीक है, 1 ऊपर चल जाएगा, ये पहले स्टेप हमारा ये लिखना है, फिर ये लिखना है और फिर 2 लिखना है। ठीक है, आप ऐसे बनाकर भी कर सकते हो, 137/2, ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं। जहां कैसे कर सकते हो, जहां इसको देखो, यहाँ पर हम पॉइंट, यहाँ पर 0 खुद से लगा लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, 2 5 10, तो ये डेसिमल में आंसर क्या, तो डेसिमल में आंसर क्या आएगा, 137.5। ये हम भी परसेंटेज लिखते हैं, यहाँ पे भी परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा आंसर, आप जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हुआ है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू
फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। हमने यहां पर परसेंट 25% है, 25% है, इसको हमने मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना है। ये परसेंट में ऑलरेडी चेंज है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो जब भी हमें किसी भी परसेंट को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। मैंने पहले ही बताया था डिवाइड बाय 100, 25/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 1 25 और 24 100, ये हमें पता है ना, तो यहाँ पर आ गया 1/4, ये आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा 150 150/100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। अभी देखो ये दोनों क्या है, फाइव के टेबल में आते हैं, 2 1 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो यहाँ पर आ गया 3/2, ये है सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, तो इसको मेरे क्या करना है, 7 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 14 14 में 1 प्लस किया 15, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 15/2। अभी हमने डिवाइड, ये हमें फ्रैक्शन मिल गई है, अभी क्या करना है डिवाइड 100, तो डिवाइड 100 कर दो, तो नीचे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नहीं क्रॉस करना, यहाँ पर नीचे हम 100 डिवाइड में लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेना है, 15 ऊपर चला गया और डिवाइड में 100 आ गया, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम पहले इसको कर लेते हैं 15/ यहाँ पर मल्टीप्लाई, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200। अभी ये देखो ये 5 के टेबल में 20 भी आता है, 15 भी आता है, 2 5 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 होता है 20, तो ये जीरो एज इट इज हम ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा 3/40, क्योंकि ये दोनों एक टेबल पे नहीं कट होते, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के आगे 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अनीता स्क्योर्ड 324 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्क्योर्ड बाय अनीता। इसमें क्या क्या कि सुनीता ने अनीता के कितने स्कोर आए हैं, 400 में से 324 जो है 400 में से मार्क्स आए, उसकी कितने जो परसेंटेज उसने कितने बनती है, ठीक है, कितने परसेंट उसने मार्क्स जो है वो लिए हैं, ठीक है, ये पता करना हमने। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी उतार ली है, टोटल सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स थे 400, ठीक है, और सुनीता सिक्योर्ड मार्क्स मतलब कितने मार्क्स सुनीता को मिले हैं वो है 324। अभी हमने परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पूरा आप परसेंटेज ऐसे परसेंटेज पूरा भी लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स की परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं जितने भी मार्क्स आए होते हैं वो ऊपर रखते हैं न्यूमिरेटर में, और जितने मार्क्स हमने टोटल जितने मार्क्स होते हैं उसको हम नीचे रख लेते हैं 400, ठीक है, जितने भी मतलब डिनोमिनेटर में जितने टोटल होता है उसमें जितने हम इसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पर J0 J0 दोनों कैंसिल हो गई हैं। अभी यहाँ पर 4 के टेबल में 24 हम देखते हैं कैसे आएगा, यहाँ आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 4 1 4 4 8 जो होता है 32, ऐसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है, तो 4 1 4 4 8 जो होता है 32, ये 4 है 4 1 4, ठीक है, यहाँ पर 4 1 4 4 81 होता है 324। तो यहाँ पर जो हमारे परसेंट कितनी आई है इसकी, अनीता की कितने परसेंटेज मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आई है 81%, ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एबसेंट। इसमें क्या कहा गया कि आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स है क्लास में, उसमें 8 क्या है अब एबसेंट है, अभी उन 8 एबसेंट की हमने परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है एबसेंट है। सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स, देन एबसेंट स्टूडेंट लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 32, एबसेंट स्टूडेंट है 8, अभी परसेंटेज ऑफ एबसेंट स्टूडेंट 8 है तो हम 8 को ऊपर रख लेंगे और जितने टोटल होते हैं उसको नीचे रख लेना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, ऐसे करना है। अभी देखो ये वाला, ठीक है, अभी हम इसको काटते हैं, देखो 8 का टेबल, 8 के टेबल में 32 आता है, हाँ देखो यहाँ पर 8 1 8, 8 4 होता है 32, 8 4 होता है 32, अभी 4 के टेबल में हम इसको 25 पे काट सकते हैं, 4 1 4 4 25 होता है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25%, ये वाला आंसर है। एबसेंट स्टूडेंट के कितना परसेंटेज बनता है 25%। थर्ड पार्ट है, देयर आर 120 वोटर्स, 90 आउट ऑफ देम वोटेड, व्हाट परसेंटेज डिड नॉट
वोट, ठीक है। इसमें क्या कह गया कि 120 वोटर्स हैं, उसमें से 90 जो 90 वोटर्स ने वोट दी है, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दी। तो हम इसमें भी स्टेटमेंट लेंगे कि सबसे पहले लेंगे टोटल वोटर्स कितने हैं और कितने ने वोट दी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर्स हैं हमारे 120, ठीक है। उसमें से कितने वोटर्स हु वोटेड, ठीक है, जिसने भी वोट दी है, तो वो कितने, 90। वोटर्स हु डिड नॉट वोट, इसमें हमें पहले फाइंड करना है कितने, यहां पर हमें पूछा गया ना व्हाट परसेंट डिड नॉट वोट, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दी उसका कितना परसेंट है। पहले हमें पता तो होना चाहिए कि तभी हम उसका परसेंट निकालेंगे कि कितनों ने वोट नहीं दी है। तो 120 में से 90 ने अगर दी है तो उसमें हम माइनस कर देंगे, 120 में से 90 माइनस किया तो हमारे पास आता है 30, ठीक है। यहाँ पर आप करके जैसे 120 अपॉन में 90, ठीक है, जीरो आ गया। 12 में से अभी यहाँ पर 12 बन गया, 12 में से 9 ने माइनस किया तो 3, यहाँ पर 30, 30 जो पर्सन्स हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने वोट नहीं दी। अभी हमने परसेंटेज पता करना है, परसेंटेज ऑफ दोज हु डिड नॉट वोट, ठीक है, उन लोगों की परसेंटेज जिन्होंने वोट नहीं दी। तो यहां पर आ जाएगा 30 अपॉन में कितने टोटल थे, टोटल आएगा 120 मल्टीप्लाई में 100। अभी ये जीरो, जे जीरो कैंसिल, अभी ये वाला आएगा 6 2 12, 5 2 10, ठीक है। यहाँ पर 6 के टेबल में 30 आता है, 6 1 6, 6 5 होता है 30, 6 5 30। अभी यहाँ पर सभी कट हो गया, यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 5 5 25, यहाँ पर आएगा 25% आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द पार्ट ऑफ फिगर विच इज शेडेड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पार्ट विच इज शेडेड। यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है, उसमें हमें उसका इसमें पता, हमें पहले एस्टिमेट करना है, हमें पता करना है कि कितना पार्ट है वो शेडेड है, बाद में उस शेडेड पार्ट के हमने परसेंटेज पता करने है। पहले हमने शेडेड पार्ट पता करना है, उसके बाद उसकी परसेंटेज पता करनी है कि कितना पार्ट है वो, कितने परसेंट पार्ट वो शेडेड है। सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि कितना पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेडेड पार्ट, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं शेडेड पार्ट, यही पता करना है। तो शेडेड पार्ट कैसे पता करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितना शेडेड पार्ट होता है वो हम न्यूमिनेटर में रखते हैं, और टोटल नंबर कितने होते हैं, कितने पार्ट हैं, उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। यहाँ पर शेडेड पार्ट कितना है, ये वाला शेड क्या है और एक ये वाला शेड क्या है, कितने हो गए, 1 2, तो 2 शेडेड पार्ट है। अपॉन में हम कितना लिखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो शेडेड पार्ट हमारा है 2 अपॉन में 4, इसको हम काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे, 1 2 1 2 2 2 4, तो 1/2, 1/2 पार्ट, जो 1/2 जो पार्ट है वो क्या है, शेडेड है। अभी हमने शेडेड पार्ट का क्या करना है, परसेंटेज लिखानी है, तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू, किसे ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, जब भी हमने किसी चीज की परसेंटेज निकाले तो उसको मल्टीप्लाई में 100 कर देना है, तो उसमें हम शेडेड पार्ट की परसेंटेज निकालते हैं। 2 1 2, 250 होता है 100, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50, तो आंसर है हमारा 50%। शेडेड पार्ट कितना है, 50% है, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर है, 50% ही हो गया ना, 4 में से 2 को अगर कवर किया है तो 50% ही होता है, ठीक है, तो 50% है शेडेड पार्ट। अभी सेकेंड फिगर है, सेकेंड फिगर में भी सबसे पहले हम लिखेंगे शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट कितना है, तो 1 2 2 शेडेड पार्ट है, और टोटल पार्ट कितना है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 अपॉन में 6, ये भी एक दूसरे पे काट सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 जो है वो है शेडेड पार्ट। नेक्स्ट हमने परसेंटेज ऑफ पता करने, परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट, तो 1/3 मल्टीप्लाई में 100, 1/3 मल्टीप्लाई में 100, ये 3 के टेबल में 100 हम नहीं काट सकते, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 100 यहां पर आ गया 3, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस के 1, जी 0 नीचे आ जाएगी, 3 3 9, ठीक है, 10 में से 9 माइनस के 1। अभी ये आगे हम 0 0 लगाते जाएंगे, ये वाला पॉइंट में आगे आंसर आता जाएगा, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 1 आ चुका है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ऐसे सबसे पहले हम लिखेंगे 33, फिर लिखेंगे 1, 1 ऊपर जाएगा, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर 1 लिखेंगे, देन 3,
तो 1/3 परसेंट आंसर, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, जब भी रिमाइंडर बचता है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी हमने शेडेड पार्ट पता, सबसे पहले शेडेड पार्ट पता करना है, शेडेड जितने भी हैं वो उसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आएगा 5/ में कितने टोटल पार्ट है, यहां से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 5/ में 8। तो यहाँ पर शेडेड पार्ट है हमारा 5/ में 8, इसको हम यहाँ पर इसका परसेंटेज यहाँ लिख लेते हैं, 5% ऑफ शेडेड पार्ट 5/ में 8 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 8, 2, 4 8, यहाँ पर हम इसको 4 के टेबल पे काटते हैं। ठीक है, 4 1 4 4 2 8, 4 2 8 4 25 होता है 100। ठीक है, 4 के टेबल में 25 टाइम्स पर 100 आते हैं, 4 2 8। यहाँ पर ये वाला कट हो गया, ये पर दोनों आपस में नहीं कट हो रहे, तो 25 को 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया हमारा 125। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 125/ में आ जाएगा 2। अभी इसका आंसर हम देखते हैं डेसिमल में आता है, यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यहाँ पर हम इसकी डिवाइड जो करते हैं वो करते हैं यहाँ पर करके देख लेते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है, यहाँ पर 125 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जाता है, 2 6 12, यहाँ पर 5 आ गया, 2 2 4, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट, यहाँ पर 0, 2 5 10, हमारे पास कितना आंसर गया 62.5। यहाँ पर हम लिखेंगे 62.5% आंसर। ठीक है, 62.5 आंसर आंसर है ये हमारा। ठीक है, ये है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, फोर्थ के थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें हमें परसेंटेज में एक वैल्यू दी गई है, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और उसको बाद में परसेंटेज को रेशियो, उसको रेशियो में भी कन्वर्ट करना है। तो हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में करना है, तो हमने इसको ये ऐसे करना है 14/100, ये आ गया 14/100। इसको हम कैसे करेंगे, अभी 2 के टेबल में देखते हैं, 2 7 होता है, 2 7 14, 2 50 होता है 100। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गया 5 7/100, 7/50, 7/50 ये आपस में नहीं कट होते, इसको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जहां पर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको आगे लिख लेते हैं, बाद में रेशियो का साइन लगाते हैं, ये रेशियो का साइन होता है और 50, ये हो गया हमारा रेशियो में कन्वर्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई, पहले से सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, उसमें 3 प्लस किया, 4 1 4, 4 में 3 प्लस किया 7, 7/ में 4% ऐसे है। तो इसको परसेंटेज से हटाना होता है, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टी डिवाइड में 100। ठीक है, 4 यहाँ पर 7/ में 4 मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपस में कोई भी कट नहीं होता क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है, ये भी नहीं आता, तो यहाँ पर 7 इसको करते थे मल्टीप्लाई, 100 में 4, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया 400, अभी यहाँ आपस में कट नहीं होते तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, 7:400 आंसर। ये है सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है 33/3, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 33 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 99 में 1 प्लस किया तो 100 में आ जाएगा हमारा 3%। इसको हम कैसे करेंगे, 100/3, ये वाला परसेंटेज किसको मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में 100 आएगा ये वाला। ठीक है, जब भी हमने परसेंटेज को सिंपल फॉर्म में लिखना है तो उसको डिवाइड 100 करना है। ठीक है, ये आ चुका है, तो यहाँ पर 100 में से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 100 में से 100 कैंसिल हो गया, ये वाले 1/1 पे गए तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, तो ये सिंपल फॉर्म में 1/3 आ गया, तो 1:3 थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो है 1:3। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन करते हैं, सिक्स क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेजेस। ठीक है, इसमें हमें रेशियो दी गई है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में जब भी हमने कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, पहले इसको रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जो आगे होता है वो होता है न्यूमिरेटर में ऊपर और जो पीछे होता है उसको नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई में 100।
अभी हमें पता है 4 1 4, 4 25 होता है 100, ठीक है। 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 125%। जब भी आपको बोला है परसेंटेज पता करो तो वन आंसर के साथ हमने परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है, तो 125% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 1 अपॉन में 1, 1:1, तो 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया 100 अपॉन में 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम इसको 100% लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू ही होती है, ठीक है, 100 ही होता है। यहाँ थर्ड है 2 अपॉन 2:3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 100, 3 में से हम 3 के साथ हम 100 को नहीं काट सकते, 2 पर ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200 अपॉन में 3। अभी इसको हमने इसको हम कैसे काटेंगे, पूरा ये एग्जैक्ट नहीं काटा जा सकता, तो हम इसको डिवाइड करके काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर अफ वर्क के लिए करती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 200, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पर भी 8 में 10 में से 2 माइनस के, ये 20 20 ही आगे आता जाएगा, तो हम यहाँ पर डेसिमल में इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, पहले हम लिखेंगे 66, देन सेकेंड नंबर पर हम लिखेंगे ऊपर 2 और फिर लिखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, 66 होल 2 अपॉन में 3% थर्ड का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 9 अप 9:16, नेक्स्ट है 9:16, तो 9:16 कैसे लिखेंगे, 9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में 100। सबसे पहले हमने सिंपल फॉर्म में चेंज किया, फिर मल्टीप्लाई 100। अभी इसको हम 4 के टेबल पे काटेंगे, 4 4 16, 4 25 100, 4 के टेबल में 25 नहीं आता तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारा 225, ठीक है, 225, या करके भी देख सकते हो, ठीक है, अपॉन में 4 एज इट इज, अपॉन में आ जाएगा हमारा 4। अभी ये 4 के टेबल में 225 नहीं कट होगा तो इसको हम करेंगे डिवाइड, 225 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो हो गया 4 5 20, ठीक है, 2 एज इट इज आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा तो आगे आ जाएगा 84, 5 में से 4 माइनस किए 1, ये आगे यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, तो इसको हम डेसिमल में नहीं चेंज करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, रिमाइंडर आ चुका है, तो यहाँ पर आएगा 56, यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगा 1 और थर्ड नंबर पर यानी कि नीचे आएगा 4, 56 होल 1 अपॉन में 4%, ये आंसर है हमारा, ठीक है, फोर्थ का आंसर है ये वाला है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, चौक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड सैंड इन द रेशो 12:3:10, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। इसमें क्या है, एक चौक में क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है, सैंड है। कैल्शियम कितना है, यहाँ पर 1 नंबर पर कैल्शियम है तो 12 जो है, 12 जो है वो कैल्शियम है, 3 कार्बन है और 10 नंबर पर 10 जो है वो सैंड है, ठीक है। इसकी हमने, इसमें हमने फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें सिर्फ हमने कार्बन की परसेंटेज पता करनी है, तो कार्बन जब भी हमने किसी चीज की परसेंटेज पता करनी तो उसको हम न्यूमिरेटर में रखते हैं, नीचे हम रखते हैं टोटल, तो हमें यहाँ पर टोटल नहीं पता है तो सबसे पहले हम इसका टोटल ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया सम ऑफ रेशियोज, रेशियोज कितनी है 12 + 3 + 10, तो यहाँ पर इसको हम अगर प्लस करते हैं तो ये वाला बनता है 25, ठीक है, तो टोटल हमारा बनता है 25। नेक्स्ट हमने पता करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन हमारा कितना है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर कार्बन होता है, इट मीन्स यहाँ पर 3 है जो वो कार्बन है, 3 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पर हम इसको काटते हैं, 3 25 1 25 25 4 होता है 100, यहाँ पर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो 12% क्या है चौक में कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज, यहाँ पर हमने 3 अपॉन 1 एक रेशियो दी गई, इसको हमने क्या लिखा है कन्वर्ट ईच पार्ट, इसमें ईच पार्ट मतलब दोनों की हमने परसेंटेज, दोनों रेशियो में लिखा है ना, यहाँ पर 3 की अलग परसेंटेज पता करनी है, 1 की अलग पता करनी है, ठीक है, ईच पार्ट लिखा है तो दोनों की पता करनी है, तो हमने ऐसे कैसे कैसे पता कर सकते हैं, सबसे अब हम पहले अगर लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज, ठीक है,
सबसे पहले हम दोनों का सम कर लेंगे, 3 प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो गया 4। अभी हमने परसेंटेज ऑफ 3, पहले हम पता करेंगे परसेंटेज ऑफ 3, 3 की परसेंटेज कैसे पता करेंगे, 3 को ऊपर रखेंगे, टोटल कितना है 4, तो नीचे 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100, 4 1 4, 4 25 100, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 25 3 75 75, यहाँ पर आ गया हमारा आंसर, ठीक है, परसेंटेज आंसर 75% आ गया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ 1, अभी 1 की परसेंटेज कैसे पता करेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर सम कितना आया हमारा इसका 4, मल्टीप्लाई में 100, 4 1 4, 4 25 100, 25%, ये वाला 1 की परसेंटेज आई है। नेक्स्ट सेकेंड है, सेकेंड पार्ट भी सेम एज इट इज करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सम, सम ऑफ रेशियोज, तो रेशियो है 1 प्लस में 4 इक्वल टू कितना आ गया 5। अभी हमने पता करना है परसेंटेज ऑफ 1, तो 1 की परसेंटेज कितनी आएगी 1, 1 की जिसकी पता करनी है उसको ऊपर रख लेना है और नीचे टोटल, टोटल कितना है 5 मल्टीप्लाई में 100, तो 5 1 5, 5 2 10, 0 के 0 एज इट इज, तो 20%। यहाँ सेकेंड का यहाँ पर आगे पता करेंगे हम 4 की परसेंटेज ऑफ 4 इक्वल टू 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 100, 5 1 5, 5 20 100, ठीक है। 20 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 80%, ये वाला भी आंसर, ये दोनों आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, 4:5:6, इसको भी हमने वैसे ही करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज, तो सम कितना है 4 प्लस में, रेशियो कितनी है 4 प्लस में 5 प्लस में 6, कितना इसका सम आ चुका है 15, तो इसका जो सम है वो 15 है। सबसे पहले हम 4 की परसेंटेज पता करेंगे, परसेंटेज ऑफ 4, तो 4 की परसेंट जिसकी भी परसेंटेज होती है उसको हम न्यूमिरेटर में लिखेंगे और टोटल को नीचे, टोटल कितना है 15 अपॉन में 100, तो ये दोनों देखो 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 5, 5 3 15, 5 20 होता है 100, ये अभी 3 के टेबल में 20 नहीं आता, तो कट नहीं होता, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, 0 की 0 एज इट इज, यहाँ पर आ गया हमारे पास 80 अपॉन में 3। अभी ये दोनों आपस में कैंसिल है तो इसको हम डिवाइड करके कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 को 3 से अगर डिवाइड किया, 3 1 3, 3 2 6, 8 में से 2 6 माइनस किया 2 0, 8 6 होता है 18, ठीक है, सॉरी 3 6 होता है 18, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 2 8 माइनस किया 2, ठीक है, ये आगे 20 20 ही बनता जाएगा अगर हम 0 लगाएंगे, तो इसको हम इस यहाँ पर ही छोड़ देते हैं और रिमाइंडर के लेकर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 26, फिर सेकेंड नंबर पर हम लिखेंगे 2 एंड देन 3, 26 होल और 2 अपॉन में 3 परसेंटेज आंसर है इसका, ठीक है, ये वाला बेटा हमारा रफ वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे जो पार्ट है, नेक्स्ट हमने 5 की परसेंटेज पता करनी, तो परसेंटेज ऑफ 5, जिसकी परसेंटेज पता करनी उसको ऊपर रख लेना है, 5 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 100, 5 1 5, 5 3 15, 5 20 100, अभी 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो जिन्हें कटा तो ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 10 और 0 एज इट इज 3, ये भी आपस में नहीं कटा तो इसको अभी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 को 3 से, 3 3 होता है 9, 10 में से 9 माइनस किए 1 0, ठीक है, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किए 1, ठीक है, 10 माइनस 9 में 9 माइनस किए 1 आ गया, जहां पर 0 आ गई और फिर 10 में से 9 माइनस किए 1, अभी हम इसको डेसिमल लगाकर यहाँ पर कर सकते हैं कि 0 आ जाएगा, आगे इसने 3 3 पर होते जाना है तो इसको हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 33, सेकेंड नंबर पर हम लिखेंगे 1, रिमाइंडर को ऊपर ले जाएंगे और इसको थर्ड नंबर पे इसको 1 अपॉन में 3 लिख देंगे, 23 होल्स 1 अपॉन में 3 परसेंटेज सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है, ये वाला इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। थर्डली हमने पता करनी है 6 की परसेंटेज, ठीक है, लास्ट में हमने 6 की है, यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ 6 हमने कैसे निकाला है, ये एक बार मैं द्वारा कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बंद हो चुकी थी, एक बार द्वारा करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, 6 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा
5 3 15 5 20 100। यहाँ पर ये वाले भी आपस में कैंसिल होंगे, 3 1 3 3 2 6, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2 2 4, 0 की 0 एज इट इज, तो 40% हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, थर्ड पार्ट की 40% है। आप यहाँ पर सारा क्वेश्चन एक साथ भी देख सकते हो, ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अभी हम जब भी हमें रिमाइंडर में आगे आगे डेसिमल में जाता जाता है, तो हम इसको डेसिमल में ना सही तो आप फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर दिया, अगर नहीं करना तो आप डेसिमल भी लगाकर डेसिमल के बाद 2 डिजिट अगर जितने आते हैं कर लो, बाद में उसको वहीं छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।